नहीं सर, अगले महीने में चालू हो जाएगा 15 तारीख को। अच्छा, उससे पहले चालू होने से पहले ही टूट गया। अब बताइए, इससे पहले टूट गया, अब चालू होगा तो क्या स्थिति होगा पता चलेगा, फिर उसको दोबारा बनाना पड़ेगा और दोबारा बनाने के लिए फिर से फंड की जरूरत पड़ेगी, या फंड नहीं आएगा तो उसी तरह फिर टूटा हुआ पे काम चलेगा। तो ये रही यहाँ की स्थिति और ये रही यहाँ की जो है सारी समस्या। अभी जो है जल्लापुर के जो है रेलवे फाटक पे उपस्थित है और यहाँ जो है कुछ खास जो है ऐसे दृश्य दिखने को मिला है कि काफ़ी जो है शिकायती लोगों का मिला है और जो यहाँ काम हुआ है उसमें काफ़ी जो है भ्रष्टाचार का जो है दिखाई पड़ रहा है। और वो चीज़ जो है कि यहाँ फर्श ढाली गई है और वो चीज़ आज जो है कुछ ही दिन हुआ और वो फर्श आज टूटा पड़ा है और जो बनाने वाले जो मिस्त्री हैं और जो काम को कराया है व्यक्ति उसकी ये घोर लापरवाही कही जाएगी कि जिस हिसाब से एक काम हुआ है अभी ज़्यादा वक्त ही नहीं गुजरा लेकिन ये आज जो है कुछ ही समय में टूट गया है और बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि ये जो है टूट के धस गया है। अब बताइए कि इस तरह से ये काम होगा तो शायद ये सरकारी जो है काम ठोस नहीं होगा और इस तरह से अगर कच्चा ऐसा ही काम होता रहेगा तो एक ना एक दिन भारत का सारे काम जो है बिल्कुल 2 नंबर के कामों में गिना जाएगा क्योंकि 1 का जो है पूरा मटेरियल का जो है लेखा जोखा सामान का जो है पैसा आता है और वो ना काम जो है 1 पे होना चाहिए लेकिन वक्त जो है जिस हिसाब से 1 का जो है दिखना चाहिए क्वालिटी लेकिन आज फर्श जो है उदाहरण के रूप में दिख रहा है कि आज टूटा फड़ा दिख रहा है। ऐसे स्थिति है, ऐसे जो है समस्या है जिसका जो है बिल्कुल निरीक्षण और जांच करके उस समस्या को दूर करने का जो है बिल्कुल सोचना चाहिए क्योंकि इस तरह से भ्रष्टाचार फैलेगा तो शायद जनता का जो पैसा है जनता के पैसे से जो इस तरह का जो है रेलवे क्रॉसिंग के फाटक पे जो फर्श का काम किया जाता है तमाम और भी काम किया जाता है वो काम में जो लगा पैसा बिल्कुल जो है निरर्थक जा रहा है। और पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे भी एक समस्या है जो ये है लैटरिन है, ये है पूरा जो है बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, बिल्कुल गंदगी जो है इतना फैला है कि इसमें कोई व्यक्ति कैसे इसका इस्तेमाल करेगा। इसमें पानी का भी निस्तार नहीं है क्योंकि इसमें पानी अभी जमा है, इसमें पानी का जमाव इसी तरह पड़ा है। और ये है सरकारी जो है काम और इस सरकारी का काम कितना सही है आप वीडियो में देख पा रहे हैं और इस हिसाब से जो काम हुआ है जो घोर जो है इसमें जो है भ्रष्टाचार जो फैला है इसका जो है रोक जो है नहीं कोई इस पर सोच विचार किया है और यही वजह है कि ऐसा भ्रष्टाचार फैलाने वाले लोग जो है अपना मन को आगे बढ़ा रहे हैं और वही कारण है कि ये जो है फर्श और वहाँ पे हैंडपाइप का भी फर्श धंसा है क्योंकि एक कारण है कि इंजीनियर को पहले यह नहीं दिखता है कि ये जो नीचे ये धंसा हुआ मिट्टी है अगर ये मिट्टी का कुटाई करके और इसको पहले ही अगर इसको मतलब कि सही से धूसा मार के सही कर देते तो फर्श नहीं टूटता है। फर्श टूटने का कारण यही है कि मिट्टी को सही से जो है कुटाई ना होना और मिट्टी को जो है भसभसार होने की वजह से फर्श टूटा है और वो चीज़ का जो है जल्दबाजी में या कहा जाए या फिर मनमौजी कहा जाए जिस हिसाब से ये बनाने वाले लोग हैं जिसको कार्य दिया गया जो बनवाया होगा व्यक्ति वो उसकी मनमानी या फिर उसकी लापरवाही कहा जाए तो उसका ये नतीजा है। तो आप लोग यहीं के हैं जी? हाँ। तो ये कब का बना है पर? अभी 3 महीने हुआ साहब। 3 महीने में टूट गया, इस्तेमाल अभी मतलब कि सही ढंग से हो भी नहीं पाया? नहीं, इस्तेमाल कहाँ हुआ है सर? अच्छा, चालू नहीं है, फर्श बैठ गया वहाँ पर। अभी बताइए ट्रेन जब चलेगी तो और दलकेगा तो ये मकान लेकर बैठ जाएगा। क्या नाम है आपका? ये हम लोगों का पैसा है कि वो इंजीनियर खुद पैसा लेकर आया है, ये हम लोगों का पैसा है। कौन से पब्लिक का पैसा? गाँव कौन सा? जल्लापुर है। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम जामुन सिंह कुशवाहा है। तो ये जो है 3 महीना अभी बना हुआ है? जी हाँ, ये आम पब्लिक का पैसा है। आम पब्लिक का पैसा है। इस तरह से जो है वो फर्श टूट कर पैसा जो जिस हिसाब से जमीन में दबता हुआ नजर आ रहा है, खास आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये पैसे को जो है दबाया जा रहा है। तो आप यहीं के हैं? यही है डॉक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब जी, ये बताइए जो यहाँ पे फर्श टूटा हुआ है इस तरह का जो काम दिख रहा है और आपके नज़र में क्या दिख रहा है? हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। यानी कि खासतौर से ये कहा जाए कि जो ये दिखाई दे रहा है जो फर्श टूटा है जो यहाँ के काम ही बता रहा है कि जो लापरवाही घोर यहाँ पे दिख रही है वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसे करेंगे तो ये केस सब पैसा पब्लिक का जा रहा है। अच्छा, ये सरकारी पैसा मिलता है जो ये पब्लिक का पैसा इकट्ठा होता है। अच्छा, और यहाँ जो अभी काम चल रहा है शायद ये सब लोहे वोहे गिरे हैं तो ये काम जो है इस मतलब कि होल्डिंग का है, इसका मतलब कि पूरा अभी व्यवस्था किया गया है, इसका भी वही काम किए हैं जो फर्स्ट टूटा है? नहीं नहीं, वो तो इंजीनियर दूसरा। अच्छा, वो दूसरा था, वो अपना फाइनल देकर चले गए। अच्छा, वो उसका फाइनल हो गया है जो कि फर्स्ट बैठ रहा है, अब दूसरा इंजीनियर आएगा तो उसको देखेगा। अच्छा, लेकिन वो पैसा पा गया तो चला गया। और यहाँ पे कोई तरह का जैसे क्रॉसिंग लगता है
तो किसी तरह का कोई दिक्कत कोई परेशानियाँ होती है? दिक्कत क्या होती है सर, ये गेट ऊपर आता है, इसी में मोटरसाइकिल निकलती है आती जाती है। एक जो है दोनों गेट अभी उपस्थित है और दूसरा जो है यहाँ पे बन रहा है, ये भी क्या है, डबल क्रॉसिंग होना है क्या? गेट है। अच्छा, गेट हाथ से चलाने वाला, हाथ से चलाने वाला, मतलब कि जो है आप लाइट नहीं रहेगी या कोई मतलब कि इलेक्ट्रिक किसी तरह का डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसे आसानी से हटाया जा सकता है। और दो ये पटरी है और ये पूरा जो है आगे कौन सा स्टेशन है? शाहबाज कुली है वो। और ये शाहबाज कुली स्टेशन है पास में और ये जो है एक क्रॉसिंग है जो ये आगे की तरफ जाता है, कौन सा गांव आगे पड़ेगा? जल्लापुर शाहबाज कुली है। जल्लापुर शाहबाजपुर ये सटी के दोनों गांव है और इसी के गांव के बीच का ये क्रॉसिंग है और इस तरह की जो है घोर लापरवाही इस क्रॉसिंग पर देखने को मिल रही है। तो कुछ और भी हम आपको दृश्य दिखाएंगे जो अभी जो है यहाँ के कोई स्टाफ है क्या यहाँ पे? हाँ वो स्टाफ है, चलिए उनसे भी जानकारी लेंगे क्या समस्याएँ हैं और कब से है। और ये जो रेलवे जो ये पटरी है यहाँ जो देखा जाए तो इस तरह से अभी साफ सफाई की विशेषता ध्यान है ये कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे ऐसे जो है कुछ लोग जो है नहीं समझते हैं और पास में जो गांव है जो लोग हैं वहाँ के लोग गंदगी फैला देते हैं। तो जानना चाहेंगे आपका क्या नाम पड़ेगा? छोटू राम पड़ेगा। अच्छा, तो आप कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं 2009 से रह रहा। अच्छा, 2009 से। ये रेलवे जो ये लाइनें हैं इस पर किसी तरह का कोई गंदगी नहीं दिख रही है, आप लोग का क्या प्रयास इस पर किए हैं? इस पे हम लोग कागज कूड़ा जो रहता है। अच्छा। वो जो दिखता है हाथ से उठा कर हम लोग हटा कर फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। सफाई हमेशा मतलब विशेषता ध्यान देते हैं, इस वजह से जो है जीता जागता ये दिख रहा है कि यहाँ जो है सफाई होती है इसीलिए जो है साफ सुथरा दिख रहा है। अगर सफाई नहीं होती तो इनके द्वारा कहा हुआ बात भी झूठा होता, क्योंकि यहाँ सफाई जो दिखेगी या गंदगी दिखेगी वही जो है साबुत खारा जो है सामने आएगा। तो आप जो है कई सालों से यहाँ पे हैं तो आप लोग जो है ऐसे क्रॉसिंग का मतलब कि उठाना जो है और गिराना आप लोगों का काम होता है? हाँ, यही हम लोगों का। अच्छा, और ग्रामीण लोग मतलब कि आप लोग के पास कोई तरह के कोई विवाद कोई तरह की दिक्कत झगड़ा कोई कुछ भी नहीं होता है? यानी कि कहा जाए तो सही तरीके से आप लोग पेश आते हैं? जी जी। और ये जो बना है जो ढलाई हुआ है मशीन हैंडपम्प का जी। तो कहाँ के वो लोग थे ढालने वाले, इंजीनियर कहाँ के थे काम कराने वाले? हम लोगों को। अच्छा, आपको नहीं पता है? कुछ भी पता नहीं। तो जो काम हुआ है वो काम सही हुआ है गलत हुआ है? ये तो गलत हुआ है, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। अब बताइए कि जिस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी लोग से मैं पूछा कोई ये नहीं कहे कि वो काम सही हुआ है, क्योंकि जो गलत होता है और जो सामने दिखता है उसी के बाद ही तो हम बात कर सकते हैं। और देखा गया कि जो फर्श टूटा है और वो टूटने के बाद जो है कम ही समय में अभी शायद चालू भी नहीं हुआ है ना? चालू नहीं है, इस अगले महीने में चालू हो जाएगा 15 तारीख को। अच्छा, चालू होने से पहले ही टूट गया। अब बताइए, अब चालू होने से पहले टूट गया, अब चालू होगा तो क्या स्थिति होगा? पता चलेगा फिर उसको दोबारा बनाना पड़ेगा और दोबारा बनाने के लिए फिर से फंड की जरूरत पड़ेगी, या फंड नहीं आएगा तो उसी तरह फिर टूटा हुआ पे काम चलेगा। तो ये रही यहाँ की स्थिति और ये रही यहाँ की जो है सारी समस्या। वी न्यूज़ इंडिया के साथ दिनेश कुमार, नमस्कार।